सब क्या कर रहे हैं? दीदी मैं किसान हूँ, अभी फसलों में डालने के लायक अमृत पानी बना रहा हूँ। अमृत पानी का है दीदी, घरेलू तरीका है, कीटनाशक का भी काम करता है और खाद का भी प्रयोग काम करता है। भैया अमृत पानी के प्रयोग कहाँ कहाँ करते हो भैया? दीदी हम अमृत पानी का प्रयोग धान फसलों में, हर चीजों के अनाजों में हम प्रयोग करते हैं। चना बटरी मसूर इसमें भी कर सकते? हाँ, सभी में काम आता है, सभी प्रकार के साग सभी, भाटा टमाटर लौकी बरबटी वगैरह सभी में काम आता है। गोबर को हम अमृत पानी से उपचार करते हैं, उपचार किया हुआ गोबर खाद को फिर खेत में ले जाके छिड़काव करते हैं। आप तो अमृत पानी का प्रयोग अच्छा बता रहे हैं, वैसे अच्छा है, आप कई प्रकार की फसलों में भी छिड़काव करते हैं। हाँ दीदी, अब पैसे वैसे तो ज्यादा नहीं लगते इसमें, अब सब घर ही में उपलब्ध है तो बना लेते हैं। आप तो बता दिए कि सब सामान घर में मिलते हैं, लेकिन कौन कौन सा सामान? दीदी पहले सबसे पहले तो ये 10 लीटर पानी है। हाँ, ये पानी 10 लीटर ही होना चाहिए कि थोड़ा कम हो चलेगा? नहीं दीदी, ये 10 ही लीटर होना चाहिए। नाप के रखते हैं? हाँ नाप के रखते हैं इसको, 10 लीटर आने 10 लीटर, मटका 15 लीटर का होना चाहिए। इससे अगर छोटा हो गया तो फिर सामान नहीं आ पाएंगे इसमें पूरे। और ये 1 किलो गोबर है दीदी, इसको भी डालते हैं। ये भी कम ज्यादा नहीं होता? नहीं, ये भी कम नहीं होना चाहिए, 1 किलो मतलब 1 किलो। और ये 1 किलो नीम पत्ती है दीदी, इसको सिलोटा में रख के कुचरते हैं। कुचर के 1 किलो बेसन होना चाहिए। तो भैया ये 1 किलो बेसन चना के ही होना चाहिए कि बटरी या गेहूं वगैरह के कुछ भी डालते? नहीं, चना ही गौमूत्र है 1 लीटर, इसको भी डालते हैं। तो भैया एक ही दिन का होना चाहिए या कम हो गया तो दूसरे दिन का भी गौमूत्र इकट्ठा करके तो 1 लीटर बना? नहीं, कम हो गया तो दूसरे दिन का भी 1 लीटर बनना चाहिए। गुड़ है, इसको भी डालना पड़ता है। ये भी 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम? हाँ, ये भी 100 ग्राम होना चाहिए।